फ्लावर से ज्वेलरी बनाते हैं। 1 इंच विड्थ एंड 8 इंच लेंथ कर्व शेप में कट करते हुए कपड़े और बकरम को एक साथ स्टिक कर दिया। अब रैंडमली जैसे भी आपको पसंद आया फ्लावर्स को स्टिक कर सकते हैं। हमने मिड में व्हाइट फ्लावर एंड आसपास पिंक फ्लावर लिए हैं। अब हम इस पे व्हाइट कलर की बर्ड डिफरेंट डिफरेंट जगह पर स्टिक कर रहे हैं। समथिंग पिंक कलर एंड व्हाइट मिक्सअप। निडल एंड थ्रेड की हेल्प से मोतियों की एक स्ट्रिप बनाकर हम नीचे की तरफ ऐड कर रहे हैं। मैं पिंक कलर के फूलों से बना रही हूँ, आप कोई भी फूल को यूज़ कर सकते हैं। नेकलेस के दोनों साइड में मैं मोती स्ट्रिप बनाकर लॉक स्ट्रिप एंड गोल्ड चेन फिक्स कर रही हूँ। हमारा नेकलेस तैयार है। अब हम फटाफट से हेयर बैंड बना लेते हैं। हेयर बैंड बनाने के लिए मैंने पिंक कलर का हेयर बैंड बेस लेकर हेयर बैंड बेस पर मिड में एक बड़ा फ्लावर और आसपास छोटे फ्लावर स्टिक किए। इन सभी को अच्छे से स्टिक करने के लिए मैंने भी 7000 ग्लू का यूज़ किया। हेयर बैंड के साइड वाले स्पेस पे हम कुछ बर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं। बैंगल बनाते हैं। 2 बैंगल्स को अच्छे से स्टिक करने के बाद उस पर थ्रेड को रैप कर रहे हैं। अब हम अपने कंगन बेस पे अच्छे से फ्लावर को स्टिक कर रहे हैं। सेम प्रोसेस से मैंने एक और कंगन को तैयार कर लिया। इयररिंग बनाने के लिए मैंने तांत में 7 बिग एंड 7 स्मॉल पर्ल्स लेके एक साथ नोट बांध दी। पर्ल वाले सर्किल पे मैं इयररिंग हुप लगा रही हूँ। 2 फ्लावर को अच्छे से स्टिक करने के बाद मैं सर्किल पे लगा रही हूँ। इयररिंग के बैक वाले पार्ट पर भी फुल स्टिक किए। मांग टीका बनाने के लिए मैंने 7 व्हाइट एंड 7 गोल्डन पर्ल लेकर उसका एक सर्कल बना लिया। मिड में हैंगिंग बीट एंड फ्लावर स्टिक किया। रिंग बेस पर फ्लावर बर्ड पर्ल को स्टिक करके हमारी इयररिंग तैयार है। ये रहा इसका वियरिंग एंड फाइनल लुक। छुटकी और उसकी फ्रेंड्स बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि उन्हें पिंक फ्लावर ज्वेलरी ही चाहिए। ज्वेलरी मेकिंग का ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel Home Hive.